गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज पिछले कल हमने सवाल का जवाब चैप्टर पढ़ा था, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सवाल का जवाब लेखक हरि कृष्ण देवसरे। लेखक को अपने साथ किसे और क्यों ले जाना पड़ा? लेखक को अपने पोते तन्मय को उसकी जीत तथा उसकी दादी की फटकार के कारण अपने साथ बाजार ले जाना पड़ा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, बच्चे बाजार में किस दुकान पर खड़े होकर क्या देख रहे थे और क्यों? बच्चे बाजार में पटाखे की दुकान पर खड़े होकर पटाखे, बम और फुलझड़ियाँ देख रहे थे क्योंकि उनके पास पैसों की कमी थी, पर वे पटाखे खरीदना चाह रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, तन्मय ने दुकानदार का हाथ क्यों पकड़ रखा था? तन्मय ने दुकानदार का हाथ इसलिए पकड़ रखा था क्योंकि उस दुकानदार ने गरीब बच्चों को चोर कहकर उन्हें थप्पड़ मारे थे। तन्मय की बात सुनकर दुकानदार को कैसा लगा और उसने क्या किया? इसका आंसर है बेटा, तन्मय की बात सुनकर दुकानदार शर्मिंदा हो गया और उसने सबके सामने उससे माफ़ी मांगी। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, दुकानदार ने अपनी खीज किन पर निकाली और क्यों? दुकानदार ने अपनी खीज, खीज का मतलब है गुस्सा, अपना खीज जो गुस्सा था मैले कुचैले कपड़े पहनने उन गरीब बच्चों पर निकाली जिनके पास एक भी रुपया ना था। वह चोरी के डर से उन्हें भगाना चाह रहा था। सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा, तन्मय ने गरीब बच्चों का पक्ष क्यों लिया होगा? इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? तन्मय ने गरीब बच्चों का पक्ष इसलिए लिया, इससे उसके गरीब बच्चों के प्रति संवेदनशील, दयालु होने और सच्ची बात कहने और साहसी होने और अन्याय का विरोधी होने का पता चलता है। बेटा इन क्वेश्चन आंसर को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें और याद कर लें। धन्यवाद।